हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 33। द क्वेश्चन सेज अ कप कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन 3 मिनट्स व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। द टाइम टेकन बाय अ सिमिलर कप ऑफ कॉफी टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एट अ रूम टेम्परेचर सेम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज डैश। तो देखिए बच्चों, ऐसे सवालों में अपने को क्या यूज करना होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, जो कहता है डी थीटा बाय डी टी बराबर माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। और यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो हम लोग यहां पर डी थीटा बाय डी टी को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं। क्लियर रही बात? तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं पहले केस में क्या हो रहा है, डेल्टा थीटा कितने का है, 90 डिग्री से 80 डिग्री हो गया, ठीक है, तो डेल्टा थीटा आ गया माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, तो माइनस 10 अपॉन, अब टाइम कितना लगा, तो टी मिनट्स लगे, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस के टाइम्स। अब यहां पर देखिए क्या लिखना है हमें, थीटा माइनस थीटा नॉट, तो यहां पर थीटा हम लोग ले सकते हैं कौन सा, एवरेज, है ना, जैसे 90 से 80 गया तो एवरेज टेम्परेचर यहां क्या लिख सकते हैं, 85, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 85 माइनस, अब ये थीटा नॉट क्या है, तो ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, जो कि कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर रही बात? तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगली बार 80 से 60 का बोला है, मतलब माइनस 20 आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन अपने को निकालना है। क्लियर है? तो इस बार टाइम टेकन को लेटर से कि मैं टी नॉट कह दे रहा हूं, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं सिमिलर कप है, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो सेम रहेगा, तो यहां पर माइनस के ही रहने देते हैं। और इस बार एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो 80 से 60 जा रहा है तो एवरेज टेम्परेचर हमें 70 लेना चाहिए, और रूम टेम्परेचर वही है तो यहां पर माइनस 20 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टी नॉट अपॉन 2 और इधर आ जाएगा t, है ना, t नॉट अपॉन 2t आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, तो 85 माइनस 20 हो जाएगा 65 अपॉन 70 माइनस 20 इज 50। क्लियर रही बात? तो यहां से t नॉट अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये 2 और ये 25, फिर 5 इंटू 5 और ये 5 13, तो t नॉट आ गया 13t अपॉन 5 के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, 13t अपॉन 5, That is option number 3, ठीक है।